समाजवादी पार्टी के, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। ओपी अंबेडकर साहब, बीएसपी तो पूरी तैयारी के साथ आ चुकी है, उत्तराधिकारी भी घोषित हो रहा है यहाँ पर, अब नई दिशा अब बीएसपी को मिलती हुई नजर आएगी? देखिए मैडम, जो आकाश आनंद जी को बनाया गया है जी, वो मान्यवर कांसीराम साहब द्वारा संस्थापित बहुजन समाज पार्टी के संविधान की हत्या है। बहन कुमारी मायावती जी ने मान्यवर कांसीराम के मिशन की हत्या करके उन्होंने परिवारवाद को बनाया है। मान्यवर कांसीराम साहब ने अपने संविधान में यह व्यवस्था दिया था बहुजन समाज पार्टी के कि इस पार्टी का उत्तराधिकारी कोई खून का व्यक्ति नहीं होगा, और बहन कुमारी मायावती जी को इसलिए उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया 2003 में कि वो हमारे ब्लड की महिला नहीं, हमारे परिवार के नहीं है। कांसीराम जी चाहते तो अपने भाई को, अपने बहन को, अपने परिवार को, किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी वो बनाते। मान्यवर कांसीराम साहब ने बामसेफ और जो है डीएस फोर संगठन बना करके बड़ी मेहनत के बाद 1984 में उन्होंने 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इस मिशन के साथ किया कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पर काम करेगी। उन्होंने मायावती जी को उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन मायावती जी मिशन से भटक गई, बहुजन समाज पार्टी को वो बेचने का काम की, वो टिकट बेचने का काम की। और गौरव रघुवंशी साहब मिशन से ही भटक गई हैं मायावती, ओपी अंबेडकर साहब को आप सुन रहे हैं, आप लोग तो मिशन से ही भटक चुके हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मिशन से और मान्यवर कांसीराम साहब द्वारा बताए गए बहुजन समाज पार्टी के संविधान के मिशन से मायावती पूरी तरह भटक चुकी हैं। उन्होंने मानव ठीक है, गौरव जी से जवाब ले लेती हूँ ओपी जी में। गौरव जी करके जो ये ठीक, शिल्पा जी एक चीज समझिए, यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल बैठे हुए कांग्रेस को छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी समय में जनसंघ रहा, वो आज भाजपा हो गया, समाजवादी पार्टी किसी समय में जनता पार्टी के साथ हुआ करती थी, उसी से घटक अलग हो के समाजवादी जनता दल बना जाए, फिर तमाम बड़ा लंबा इतिहास है। ये सब 1977 में परिवारवाद के खिलाफ हर व्यक्ति था, और कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ ये लोग जोर शोर से करके ये लोग सत्ता में आए थे। और आज किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है? मुझे एक एक ये अंबेडकर जी बताएं, क्या अखिलेश जी मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं है क्या? लोहिया जी के आदर्श थे क्या परिवारवाद? तो फिर ये कहा जाए ना सर, उसी परिवारवाद को आप भी बढ़ावा दे रहे हैं जो और पार्टियों पर, ठीक वही चीज आप भी कर रहे हैं फिर सर शायद। शिल्पा जी, अब मेरी एक बात का जवाब दीजिए। ये एक राजनीतिक दल है, उसने कहा ये एक संविधान में लिखा, वो किस राजनीतिक दल के संविधान में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे परिवार से है तो उसको राजनीति में आने का अधिकार नहीं है, या किसी का नेतृत्व करने का अधिकार नहीं है, अगर उसमें योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार उसको चुना जा रहा है, तो इसमें किसी को क्यों परेशानी हो रही है? ये संजय चौधरी जी, अगर जेपी नड्डा जी को आगे करके कोई व्यक्ति कमान अपने हाथ में रखते हैं, जेपी नड्डा जी को कई मामले में देखा गया पीछे खींच दिया जाता है, वो तस्वीरें आपने देखी है कि नहीं देखी है? आप इतनी बेशर्मी से हंसते हैं, इतनी बेशर्मी से बात करते हैं। हम लोगों ने तस्वीरें देखी है, टीवी पे चलती है तमाम तस्वीरें कि एक व्यक्ति आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ पकड़ के खींच देता है अगर प्रधानमंत्री जी के साथ चलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की बातें मत करिए कि हर दल में अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, हमारे दल की जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी बहन जी ने घोषित किया है। और ओपी अंबेडकर जी, जो अखिलेश यादव जी भी मुलायम सिंह के बेटे हैं, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया समाजवादी पार्टी का, आपको मालूम है लोहिया जी ने परिवारवाद का? आपको मान्यवर जानकारी नहीं है, आप जो है आप जानते नहीं है बहुजन समाज पार्टी के संविधान के विषय में, उस समय आप थे नहीं पार्टी में सर, समाज की पार्टी नहीं थी, बहुजन समाज की पार्टी थी, आप बहुत बाद में आए हैं। मान्यवर कांसीराम का अकेला संविधान पूरे भारत में है जिसमें उत्तराधिकारी कोई खून का व्यक्ति नहीं हो सकता, बहुजन समाज पार्टी के संविधान को पढ़ के आप बोलिए। और कांसीराम साहब के संविधान की हत्या हो गई है, और ये आदमी जो है आकाश आनंद जो आए हैं, ये जो है कानम से नाबालिग है, इनको कोई जानकारी नहीं है बहुजन मूवमेंट के विषय में। मानव गली गांव गांव और जो है हर जगह गए। आकाश आनंद जी 6 वर्षों से
छह वर्षों से पूरे देश में घूम रहे हैं, शायद आपको ना दिखाई देता है ना आप कभी जाते। अरे देश में घूमे तभी तो 2022 में आपको जीरो सीट मिली है। जो है बसपा का 2022 में आपको जीरो सीट मिली है, ये तो अखिलेश यादव की देन थी कि 2019 में आप जो है कानम से 10 सीट पा गए, ये माननीय अखिलेश यादव की देन है। और आपको इस संबंध में जानकारी है काशीराम के? नहीं नहीं अंबेडकर जी, हमें सुनिए, अंबेडकर जी हमें 10 मिल गए और स्वयं वो 5 पे रह गए। ठीक है, चलिए मैं आप दोनों के पास उठाने में लगे रहे। विनोद कुमार शास्त्री दलित नेता हैं कांग्रेस के। विनोद जी, आप बहस को बहुत बारीकी से सुन रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से सुन रहे हैं। परिवारवाद की बात जो है ये कांग्रेस पर तो लगातार ये सभी पार्टियां इल्जाम लगाती हैं, और अब ये आरोप जो है वो बीएसपी पर लग रहे हैं क्योंकि आकाश जी को जो है वो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। आपकी क्या विचार है इस पूरे बारे में, क्योंकि एक तो दलित को खींचना है, दलित चिंतकों को, इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है जो नौजवान हैं उनको भी आकाश आनंद को यहां पर रखकर जो है वो 2024 के लिए एक तरीके से लाया जा सकेगा। बीएसपी की नई रणनीति आपको कितनी बेहतर नजर आ रही है? जी शिल्पा जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आकाश आनंद को मैं शुभकामना देता हूं कि एक युवा को कार्यभार सौंपा गया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि परिवारवाद जो है किसमें नहीं है। परिवारवाद तो परिवारवाद तो बीजेपी में भी परिवारवाद है। परिवारवाद की बात अगर करते हैं तो सपा में भी परिवारवाद है। परिवारवाद सब में है, लेकिन इनको 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 जलना नहीं चाहिए, द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। और हाँ, इनको बाबा साहब के मिशन के बारे में, मानवर साहब के मिशन के बारे में आगे उनको ठीक है यानी कि द्वेषपूर्ण तमाम पार्टियां जो है ये बात कह रही हैं, ये कहना चाह रहे हैं विनोद जी आप। संजय जी, जलिए मत, द्वेषपूर्ण भाव मत रखिए, ये विनोद साहब कह रहे हैं। देखिए वो तो मुझे लगता है कि बात कहते कहते जिस तरह से अटक रहे थे, मुझको लग रहा है कि ये निर्णय वो भी घटक नहीं पा रहे। देखिए आप नेतृत्व तो किसी को दीजिए, लेकिन जिस पार्टी की संगठनित विचारधारा ये कहती हो, मेरा काशीराम जी से संबंध रहा है, काशीराम जी के साथ मेरा बैठना हुआ है, काशीराम स्वयं इस बात को कहते थे कि परिवार को, वंश को राजनीति में आगे नहीं आना चाहिए, और उन्होंने अपनी एक ऐसी परंपरा भी स्थापित की कि अपने रक्त संबंधियों को राजनीति से दूर रखा और अपने मिशन को कहते हुए उन्होंने अपने परिवार से दूर ही किसी व्यक्ति को राजनीतिक नेतृत्व दिया। तो जिस पार्टी की विचारधारा में, जिस पार्टी के संविधान में, जिस पार्टी का मॉडल पर्सनालिटी अगर ये कहती है कि हम वंशवाद पर विश्वास नहीं करेंगे अपना। और दूसरी बात, मेरे बसपा के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं ने निश्चित किया, और दूसरी बार जब वो बोले तो उन्होंने कहा मायावती जी ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, तो उन्होंने खुद ही अपनी बात को कंट्राडिक्ट करते हुए माना कि मायावती जी ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। और मुझे लगता है कि उत्तराधिकारी घोषित करने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ये निर्णय ठीक नहीं, और बसपा के सेहत के लिए इसलिए खराब है कि जिस व्यक्ति को 5 साल में बनाया, 5 साल में बसपा धीमे 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 गर्त में चली जाती रही। तो अगर बसपा को लगता है कि गर्त में जाने वाला व्यक्ति उनको अच्छा निर्णय दे सकता है तो वो निर्णय उनको मुबारक हो, लेकिन मुझे लगता है कि वंशवादी राजनीति से अगर बसपा बचती तो और बेहतर कर सकती। बिल्कुल गौरव जी, आपकी बातों में कॉन्ट्रोडिक्शन नजर आ रहा है यहाँ पर बीजेपी को। नहीं नहीं शिल्पा जी मुझे मौका दीजिएगा। जी बोलिए। मैंने ये कहा है शिल्पा जी मैंने ये कहा है कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर बहन मायावती जी ने आगे की कमान, बीएसपी की कमान आकाश आनंद जी को देने का काम किया है। दूसरा, हमारे यहाँ कम से कम रबर स्टैंप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है। अरे संजय चौधरी जी, आपको भी मालूम है भाजपा किनके हाथों में है, 2 लोगों के हाथों में है इस देश के अंदर, बाकी सब रबर स्टैंप है इस भाजपा के अंदर।
अगर आपको ना पता, आपको ना जानकारी हो तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। आपकी पार्टी के बारे में भी हम लोग बेहतर जानते हैं, आप हमारे दल के बारे में जितना जानते हैं उससे बेहतर आपके दल के बारे में भी जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके कई मामले में पीछे ढकेल दिए जाते हैं, कई प्रोग्रामों में जिसके टीवी फुटेज भी चले हुए हैं। इसलिए संजय चौधरी जी बात उतनी ही करिए जो सत्यता के करीब हो। हमारा दल है, हमारा निर्णय है, आपको कष्ट किस बात का है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और समय के साथ बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की थी तब कुछ और आदर्श हुआ करते थे, उद्योगपतियों से दूरी बनाने का काम करते थे, उद्योगपतियों के पास नहीं जाते थे। आज तो पूरी भाजपा सरकार उद्योगपति चला रहे हैं, दो इस देश के उद्योगपति जो इस बात पूरी भाजपा चला रहे हैं। ठीक, अरे सुनिए, हम वो पार्टी है जो बदला करते। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्टी बनाई थी तब भी कहा था कि इस देश में दो स्थान दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, हमारे तीन ही कोर इश्यू थे कि हम आएंगे तो 300। तब उन्होंने ये नहीं कहा था अडानी अंबानी जी को बढ़ाएंगे, हम आएंगे तो इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता लाएंगे। हम विचारों में परिवर्तन करने वाले दल नहीं है। और आप भी अगर उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा और दया से पहली बार बने थे। हम दलितों के आगे बढ़ने के हिमायती रहे हैं, लेकिन अगर दलित नेतृत्व तो प्रकार से वंशानुगति की राजनीति की संजय चौधरी जी अगर पहली बार लेकिन देखना होगा 2024 में बीएसपी अब कितना कमाल कर पाती है, क्योंकि नई ऊर्जा के साथ और नई शक्ति के साथ बीएसपी जो है वो आने की बात कह रही है, क्योंकि आकाश आनंद के हाथ में एक युवा के हाथ में बागडोर जो है अब आ गई है। अब बीएसपी क्या कमाल करती है वो जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया।